कि एरिया के एसएचओ को सस्पेंड कर दिया जाए, ये इलेक्शन ऑर्डर भी दे दिया है, लेकिन वहां ग्राउंड पर, इस ग्राउंड पर ये अमल कहां हो रहा है? संबित पात्रा जी, देखिए आनंद जी, आप जिस प्रकार की भयावह तस्वीर दिखा रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश में भी कुछ लोग इकट्ठे हुए थे, योगी जी ने डंडे मार करके वहां लाठीचार्ज चला करके लोगों को डिसबर्स किया, लोगों को अपने अपने घर भेजा। मैं भी कहूंगा कि आज ममता जी खुद अपने उनके घर के बाहर का ही दृश्य है, वो अपील करें एक बार, वो बड़ी नेता हैं और उनके खुद के कार्यकर्ता हैं, अगर वो अपील करेंगी तो उनके नेता मानेंगे। और जान बचाने के लिए बड़े नेताओं को ये बिल्कुल करना चाहिए, जितने भी तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो तुरंत या तो ट्वीट करें या टीवी के माध्यम से अपने रिकॉर्ड करके रिकॉर्डेड मैसेज भेज सकते हैं, वो टीवी सेंटर्स टीवी चलाएंगे उनके मैसेजेस को कि कोई अपने घर से बाहर ना निकले, और जो भी जश्न मनाना है वर्चुअली आप जश्न मनाएं, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन ने पूरे भारत के लिए जो पांचों राज्य में चुनाव हो रहे हैं, पांचों राज्य के लिए ये कानून बनाया हुआ है कि कोई विक्ट्री प्रोसेशन नहीं होगा, कहीं भी लोग इकट्ठे नहीं होंगे। अभी थोड़ी देर पहले चीफ सेक्रेटरी को भी इलेक्शन कमीशन ने चिट्ठी लिखा है कि आप लोग एसएचओ को बोलिए, लोकल कलेक्टर और एसपी को बोलिए कि इस पर पूरा नियंत्रण रखा जाएगा, और अगर नियंत्रण नहीं होगा तो लोकल प्रशासन के एसएचओ इत्यादि सस्पेंड होंगे। तो मुझे लगता है चीफ सेक्रेटरी को त्वरित कार्यवाही करनी चाहिए। बट कार्रवाई तो नहीं हो रही, लोग जिस तरह से खड़े हैं डर लग रहा है, क्योंकि देखिए एक तो कैंपेन रैलीज में लोगों ने कोविड का पालन नहीं किया, कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं किया, मास्क उतारा, बेधड़ले से घूमे। हमारे जो कितने सारे तो रिपोर्टर्स हैं, कैमरा पर्सन्स हैं, जिनको चुनाव कवर करते करते कोविड हो भी गया, वो रिकवर कर गए और फिर वापस फील्ड पर उतर गए। अमित सिंह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, आपके पास जो आपके पीछे जो दृश्य हैं, ये रैलीज में भी हमने देखी, चुनाव के प्रचार में भी हमने देखा, और अब सेलिब्रेशन में भी हम देख रहे हैं। केस चाहे 3,000 हो या 56,000 हो, लोगों को फर्क नहीं पड़ता और प्रशासन भी कुछ नहीं करता। जी हाँ बिल्कुल, मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं एक बार, यहाँ की देखिए सीधी तस्वीरें मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर ये देखिए जश्न मनाया जा रहा है। जो यहाँ पर एक्टिव केसेस है 56,000 है, बीते 24 घंटे में आनंद 100 लोगों से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, लेकिन फर्क किसी को नहीं पड़ता। लोग जो है यहाँ पर जश्न मनाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और यहाँ पर तस्वीरों में देखिए किस कदर जो लोग हैं वो यहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जश्न मनाने का एक दूसरा भी अंदाज होता है, अपने घर पर भी जश्न मनाया जा, अपने घर पर भी लोग जश्न मना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से सड़कों पे ये बाहर निकले हैं, सड़कों पे यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर एक दूसरे के पास सोशल डिस्टेंसिंग का तो यहाँ पर लोगों को ख्याल ही नहीं है। ये तस्वीरें और ये जो सीधी सड़क है ना, ये अभिषेक बनर्जी के घर की तरफ जा रही है। अभिषेक बनर्जी का घर यहाँ से कोई ज़्यादा दूर नहीं है, अभिषेक बनर्जी का घर यहीं पर है, और ये सीधी सड़क उनके घर के पास जा रही है। और ये भीड़ जो है ये सिर्फ सड़क पे, आप यहाँ पर नहीं, अंदर गलियों में भी इसी तरीके का भीड़ है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ये भीड़ है ये डराने वाली है। और जिस तरीके से आंकड़े आ रहे हैं, जिस तरीके से 55,000 से ज्यादा, इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सिंपल सी बात है, चुनाव आयोग से तो ऑर्डर चला गया, चीफ सेक्रेटरी क्या कर रहे हैं, वहाँ के एसएचओ क्या कर रहे हैं, सवाल पूछने वाली बात है। आशिका।